नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में नगर बंद, कर विशाल रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। बुधवार को रायसेन के कस्बा बम्होरी में सकल हिंदू समाज द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, हमले, सनातनी मंदिरों में तोड़फोड़ के विरोध में नगर बंद कर विशाल विरोध प्रदर्शन रैली निकालकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार महेंद्र सिंह राजपूत को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि भारत सरकार तत्काल बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कदम उठाए ताकि बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार को रोका जा सके एवं हिंदू समाज सुरक्षित हो सके। इसके अतिरिक्त इस्कान मंदिर के पुजारी चिन्मय दास जी महाराज बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए के विरोध में कस्बा बम्होरी के मेघनगर बस स्टैंड पर हजारों की संख्या हिंदू समाज के लोगों ने एकत्रित होकर हाथों में भगवा झंडे, पोस्टर एवं विभिन्न प्रकार के स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर जय श्री राम हिंदू, हिंदू भाई भाई बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नगर के मुख्य मार्गों से होकर विरोध प्रदर्शन रैली उपतहसील प्रांगण बम्होरी पहुंची, जहां सनातनी संत शिवस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज त्रिलोकचंद धाम के महंत एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह राजेंद्र सिंह राजपूत, आशीष सोनी, पूर्व सरपंच रमेश सैनी, मंजू भैया लोधी, गोपाल सिंह राजपूत, अजित कुमार जैन, कौशल प्रसाद गुप्ता, जनपद सदस्य प्रतिनिधि मदन गोपाल वर्मा, मिथुन लोधी, शैलेंद्र आचार्य द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वही सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। विशाल विरोध प्रदर्शन रैली में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, युवा एवं सैकड़ों की संख्या में हिंदू सनातनी सम्मिलित हुए। इंडिया न्यूज 28 के लिए सिल्वानी बम्होरी से संवाददाता मदन वर्मा की रिपोर्ट।